हरे कृष्णा राधे राधे। करो भरोसा कृष्ण नाम का, धोखा कभी ना खाओगे। दिल ही दिल में खुशी मिलेगी जब राधे कृष्ण बुलाओगे। राधे कृष्ण को मनाओगे, अपने मन मंदिर में उन्हें बताओगे। बोला राधा कृष्ण की जय। देखो एक विचार, एक बात मन में आई है और मेरी इस बात से तो जो शादीशुदा लोग हैं वो जरूर सहमत होंगे कि अगर आपके जीवन साथी में भक्ति के भाव है, वो कृष्ण प्रेमी है ना, तो भक्ति का मार्ग हमारे लिए भी बहुत सरल हो जाता है। कान्हा जी को पाने का मार्ग सुलभ हो जाता है। और जिनके जीवन साथी का उल्टा व्यवहार है उन्हें इस मार्ग में बहुत कष्ट आते हैं, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो वृंदावन जाने के लिए बेचैन होते रहते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो कहते नहीं नहीं बहुत भीड़ है हमें नहीं जाना। आपने जरूर कभी ना कभी ये सुना होगा, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक जोड़े की सत्य घटना बताती हूं कि उनके साथ क्या हुआ, ठीक है ना। जब जीवन साथी में भक्ति नहीं थी तो जीवन कैसा था, और फिर बिहारी जी की कृपा से कैसे भक्ति मिल गई, और फिर जीवन क्या हुआ, ठीक है। बहुत भावपूर्ण प्रसंग है और ये सत्य घटना है, सुनी सुनाई या बनी बनाई बात नहीं है, ये सत्य घटना है। एक वकील साहब थे अंबाला शहर से, बहुत अच्छे ऊंचे प्रतिष्ठित लोगों में है ना उनकी गिनती आती थी। बड़े हाई फाइव से भी थे, अच्छा खासा पैसा भी था, अपने नियमों के पक्के थे, मंदिर भगवान में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो कहते भी हैं जब हम चार शब्द पढ़ लेते हैं ना तो दिमाग जरूर से ज्यादा चलने लगता है, हर चीज में लॉजिक ढूंढने लगता है और बातों में तर्क वितर्क बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, इतने भिखारी क्यों है, मंदिरों में इतना चंदा क्यों जाता है, तो मतलब इस तरह की बातों पर हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। बाबा संत महात्मा सब उन्हें पाखंडी चोर लगते थे, लगता था बस ये पैसा लूटने के लिए आ रहे हैं। पर जो उनकी पत्नी थी ना वो बहुत धार्मिक आस्था की थी, भगवान में उनके प्राण बसे हुए थे, नियम से पूजा पाठ दान सब करती थी। बिहारी जी में तो इतनी आस्था थी, इतना प्रेम था कि कहना ही क्या। वो वृंदावन नहीं जा पाती थी क्योंकि उनको कोई साथ ही नहीं मिलता था, है ना। पति देव तो कहो तो खाने को आ जाएंगे और आस पड़ोस कितने से करें, और बहुत बार तो ऐसा होता था कि उनके पतिदेव मना ही कर देते कि नहीं भाई नहीं जाना है, है ना। और उनका एक बड़ा परिवार अच्छा था, पैसा अच्छा था, उनका एक ही बेटा था। धीरे धीरे वकील साहब की तरक्की हो रही थी और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। पर उनका और उनकी श्रीमती का विचारों में जो मतभेद था वो बिल्कुल उसमें कोई तरक्की नहीं हुई थी, वो बिल्कुल वैसा ही था, है ना। श्रीमती जी अपनी सांसों में बिहारी जी को बसाए हुए रहती थी, वो हर समय उनका ध्यान करती रहती थी, वृंदावन में होने वाले सभी उत्सवों को घर में याद करती रहती थी। उनके पता जो भक्त होते ना वाकई उनके मन में ऐसा होता है आज तो वहां ये हो रहा होगा, आज तो ये हो रहा होगा, अरे बिहारी जी ने ये पोशाक पहन रखी होगी, है ना। तो ये सब ऐसे उन श्रीमती के मन में होता रहता था। और जो हमारे वकील साहब थे वो जज बनने के बाद भी हर किसी को बड़े उसकी दृष्टि से ही देखते थे, ठीक है। दोनों अपनी अपने राहों पे चल रहे थे, बट कहते हैं जीवन में कब क्या हो जाए नहीं पता। जो उनकी श्रीमती थी वो रोज घंटों तक पूजा घर में बैठी रहती, अपने बिहारी जी महाराज को लाड़ लड़ाती रहती। मैं कहती रही हूं ना सबको, भाई अगर आप किसी भी वजह से शारीरिक रूप से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, शारीरिक रूप से वृंदावन दर्शनों के लिए नहीं जा पा रहे हो, तो मानसिक रूप से तो कोई आपको रोक नहीं सकता ना। आप मानसिक रूप में पूजा करो, मन से सोचो आप वृंदावन में हो, तब कौन रोक लेगा आपको, है ना। तो ऐसा ही उनकी श्रीमती करती थी, अपने मन में विचारों में बिहारी जी को अलग अलग तरीके से सजाती रहती, बहुत सुंदर रूप से अंदर उनको भोग लगाती, है ना, बड़े प्रेम से भाव से। उनका तो अलग ही एक भाव था। हमारे जज साहब तो प्रसाद तक लेने के लिए इच्छा में नहीं रहते थे, है ना। जज साहब अपनी सोच के पक्ष के थे। बेटे ने भी उन्हें समझाया कि पापा माँ का दिया प्रसाद आप मिठाई समझकर ही खा लिया करो, क्यों माँ को इतनी बातें सुनाते हो। पर वकील साहब के प्रवचन धार्मिक ढकोसलों और अंधविश्वासों पर तब तक खत्म नहीं होता
जब तक उनकी श्रीमती की आंखों से आंसुओं की धारा नहीं फूट पड़ती थी, मतलब इस हद तक वो उनको सुनाते थे। अब उसके बाद श्रीमती जी पूजा में बैठकर घंटों बिहारी जी के सामने रोती और कभी शिकायत नहीं करती थी, अपने पति की गलतियों के लिए बस माफी मांगती रहती थी और बिहारी जी को कहती थी, बिहारी जी वो ना समझ है, आपकी कृपा उन्हें नहीं मिली, आपका प्रेम उन्हें नहीं मिला, उनसे गलती हो गई है और आप उनसे कभी गुस्सा मत होना, है ना, उन्हें प्यार से समझाना बस। अब वो पता बिहारी जी को कैसे कहती थी, बिहारी जी मेरे पति से गुस्सा मत होना, वो जज है ना, सबूतों पर विश्वास करते हैं, पर तुम तो कभी सामने आकर अपना प्रमाण देते नहीं हो, इसलिए वो क्या करें, उन्होंने कभी आपको देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है, आपकी भक्ति आनंद प्रेम को वो नहीं जानते। कितनी बातें कर करके वो हमेशा जज साहब की पैरवी करती रहती बिहारी जी के दरबार में और उनके लिए माफी मांगती रहती। और मुझे ऐसा दिल से लगता है कि शायद बिहारी जी को कभी भी इसी वजह से जज साहब पे गुस्सा नहीं आया होगा, या जज साहब ने हमेशा अपने जीवन में पाया ही पाया है, उनको कभी कोई कष्ट भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, पत्नियां अपने पति के आगे एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, वकील साहब और श्रीमती के बीच में विचारों की जो खाई थी वो बढ़ती जा रही थी। अब तो घर में बातें भी बहुत कम होती थी, वकील साहब अपनी कचहरी के कामों में लगे रहते थे और श्रीमती जी बिहारी जी के ख्यालों में। उनका जो इकलौता बेटा था वो समय के साथ बड़ा हो गया और वो भी एक बहुत अच्छा शहर का प्रतिष्ठित वकील बन गया था। बेटे की शादी हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, उसका एक बेटा भी हो गया, सब बढ़िया हो गया, कहते ना वो दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां तो सारी पूरी कर ली थी। एक समय वकील साहब की बहू ने एक फैमिली ट्रिप बनाया, एक फैमिली प्रोग्राम बनाया घूमने जाने का, और वो भी वृंदावन जाने का। अब जब बहू ने अपने पति को बताया तो वो सर पकड़ के बैठ गया और बोला, भैया इस प्रोग्राम को सुनकर हमारी मम्मी तो बड़ी खुश होंगी पर पापा का गुस्सा तो देखने वाला होगा। अब बहू के बहुत जिद करने पर बेटे ने पिता को प्रोग्राम का बताया और जिस बात का डर था हुआ तो वही। सुनते ही जो जज साहब थे वो तो बेटे के ऊपर ही चढ़ गए और अंधविश्वासों, पंडितों का धोखा और भिखारियों की लाइन, सब बातों पे बड़े 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 लेक्चर देने लगे। उनको बहुत समझाया कि भाई वहां हम किसी कोई ऐसा नहीं कि कोई धार्मिक काम से जा रहे हैं, हम तो वहां सिर्फ घूमने जा रहे हैं और वृंदावन अच्छी जगह है घूमने के लिए, पर वकील साहब माने नहीं। तब बेटे ने अपनी वकालत अजमाई और पिता को कन्विंस करता हुआ बोला कि वहां जाकर हम सबके व्यवहारों को स्टडी करेंगे और उनके धोखों का पर्दाफाश करेंगे, इस मकसद से एक बुक लिखेंगे और सबको पता चलेगा कि वृंदावन में क्या होता है, किस तरह के ढकोसले होते हैं और किस तरह लोगों को बुद्धू बनाया जाता है। अब ये बात सुनकर तो उनके पिता को, मतलब वो कहते ना एक वकील ने अपनी वकालत दिखा दी और यही काम होता है ना, और जो हमारे जज साहब थे वो थोड़ा सा इस जाल में फंसी गए और जज साहब सोच रहे हैं, हाँ भाई ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है और मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी करूंगा और भाई बढ़िया बुक लिखेंगे हम और सबका वृंदावन का पर्दाफाश हो जाएगा, जितने पंडित पाखंडी है सबके मैं चेहरे वो करूंगा, सबके सामने लेकर आऊंगा। अब जो उनका बेटा था वो सोचा था चलो भाई तीर निशाने पे लग गया। वकील साहब खुश होकर बोले कि भाई बहुत अच्छा विचार है, किताब छपते ही सबके चेहरों पर से नकाब उठ जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूं और साथ जरूर चलूंगा। अब इन बातों का जब श्रीमती जी को पता चला कि भाई ये क्या विचार से जा रहे हैं तो उनको कोई असर नहीं पड़ा, है ना, कोई गुस्सा करता भाई तुमने वृंदावन के लिए क्या सोचा है, बट उनको नहीं पता, उन्हें अपने बिहारी जी पे पूरा विश्वास था। चलो भाई बरसों के बाद पूरा परिवार एक साथ कहीं जा रहा था, पीछे की सीट पर हमारे जज साहब और उनकी श्रीमती जी बैठे हुए थे। पूरे रास्ते जज साहब अपने विचारों पर ही चर्चा करते रहे और किसी को भी एक शब्द बोलने का मौका ही नहीं दिया। उनकी श्रीमती जी बिहारी जी को मन ही मन याद कर रही थी, जय बिहारी जी, जय बिहारी जी, जय बिहारी जी, जय बिहारी जी। शायद वो जज साहब की बातों को सुन भी नहीं रही थी, उनके बेटे बहू अपनी बातों में व्यस्त थे। चलो खैर समय का पता न चला और फिर वृंदावन पहुंच ही गए। धर्मशाला उन्होंने पहले से ही बुक करा रखी थी, पहुंचकर सामान उतारा और दर्शनों के लिए चल दिए। गोविंद देव जी, रंग जी, ब्रह्मचारी जी, शाह बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सभी मंदिरों के बढ़िया दर्शन किए। उसके बाद पुशी बांके बिहारी जी मंदिर की ओर चल पड़े, है ना। अब था ट्विस्ट का समय।
पूरा समय श्रीमती जी को हर मंदिर के दर्शनों में बहुत भाव आ रहा था, क्योंकि देखो उनकी तो मन की कामना पूरी हो रही थी। बहू और पोता पहली बार देख रहे थे तो वो बहुत खुश थे। जो सासू माँ थी, मतलब जो हमारी जज साहब की श्रीमती थी, वो अपने बहू को और पोते को सारी सारी बातें बता रही थी। यहाँ पे कान्हा ने ये किया था, यहाँ पे कान्हा ने ये किया था, है ना। जितना उन्होंने पढ़ा था, जितना ख्वाबों में बातें बनाई थी, वो सब अब वो उनको बोल बोल के सुना रही थी। आज जिंदगी में पहली बार जो श्रीमती जी थी, उनके चेहरे की खिल और जो उनके शब्दों की एक कहते हैं ना भाव, बोलने का तरीका, उसमें अलग ही चहक और एक अलग ही पावर थी। जो जज साहब थे वो हमारी आदत के अनुसार ही हर जगह कोई ना कोई कमी निकाले जा रहा था, बट जो उनका बेटा था वो बहुत समझदार था और वो चाहता था कि मेरी मम्मी और मेरी जो वाइफ है वो खुश रहे, तो वो उनको हमेशा आगे निकाल देता था और अपने पापा को ही बातों में फंसाता रहता था और हर बार सिचुएशन को संभाल ही लेता था। जज साहब ने किसी भी मंदिर में सर झुका के प्रणाम नहीं किया। वो तो ठीक से बिहारी जी को, ठीक से ठाकुर जी को देखते भी नहीं थे, है ना। वो तो बस कमियां निकालने में रहते रहते थे, यहाँ ये हो रहा है, देखो अब ये मांग रहा है पैसे, ये देखो यहाँ पे इतने का चंदा मांग रहे हैं, सब वो बस इसी चक्रों में वो पड़े हुए थे। चलो खैर, सभी बिहारी जी मंदिर में पहुंच गए। बेटे ने बिहारी जी को भेंट करने के लिए बहुत सुंदर एक माला ली, प्रसाद आदि लिया और वो अंदर घुस गए। जैसे ही श्रीमती जी ने बिहारी जी को देखा, उनकी आंखों से आंसू फूट गए। वो पता नहीं जाने कब से अपने आप को अंदर रोक के रखी थी, वो पल्ला पसार कर बिहारी जी से कुछ मांग रही थी, शायद जज साहब के लिए कुछ मांग रही होंगी। और जिंदगी में पहली बार जज साहब वहां शांत खड़े थे। बेटे, बहू और पोते ने आगे बढ़कर गोस्वामी जी को प्रसाद माला दी, दक्षिणा दी और बढ़िया प्रसाद लगवाया, सबने बढ़िया दर्शन किए। कुछ देर वो वहीं रुके रहे और फिर बाहर आ गए। सबने बाहर आकर देखा कि जज साहब और श्रीमती जी अभी भी अंदर ही थे। अब बेटा वापस अंदर गया कि भाई दोबारा अंदर मंदिर में ना लड़ पड़े हो, और वहां जाके देखा तो दोनों शांत खड़े होकर बिहारी जी को देख रहे हैं। वो बड़ा हैरान था कि भाई ये कैसे पापा बिहारी जी को देख रहे हैं। चलो उनको हाथ देकर बाहर बुला लाया। सब लोग बहुत थक गए थे इसलिए धर्मशाला चले गए और रास्ते में बस पहुंच गए धर्मशाला में। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मंदिर से बाहर आकर जज साहब ने कुछ भी नहीं कहा और वो बिल्कुल शांत थे। कोई गलतियां नहीं निकाल रहे थे, कोई कमियां नहीं निकाल रहे थे, किसी की बुराइयां नहीं कर रहे थे। अब सबको लग तो बड़ा आश्चर्य रहा था, बट बेटे ने सोचा शायद है ना दादा थक गए हैं और उम्र का भी तकाजा है, सुबह से सफर करा है, फिर पूरे दिन घूमे हैं, तो शायद इस वजह से थक गए हैं। अब सब धर्मशाला पहुंच गए। जो मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था वो ही श्रीमती जी ने सबको दिया। ये जिंदगी में पहली बार हुआ जज साहब ने बिना कुछ बोले चुपचाप प्रसाद ले लिया और मुंह में रख लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार था। अब ये देखकर उनकी श्रीमती तो बहुत ही खुश थी और सबको, जो उनके बेटा बहू थे, उनको खुशी भी हो रही थी और बहुत आश्चर्य सरप्राइज भी हो रहा था। चलो अब इसके बाद सबने खाना खाया। जज साहब ने खाना खाने के लिए मना कर दिया। सबको लग रहा था कि भई ये जरूरत से ज्यादा थक गए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जो बहू थी, पोता था, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और श्रीमती जी भी, भाई एक वृंदावन की तो हवा में ही महक अलग होती है ना, तो वो भी बहुत खुश थी। चलो जज साहब ने पानी पिया और वो लेट गए। बाकी सब यात्रा की और मंदिर के दर्शनों की बात कर रहे थे, इस मंदिर में ये हुआ था, वहां ये हुआ था, ये देखा था, ये देखा था। और जो पोता था वो तो बहुत ही खुश था और बार बार अपनी दादी को बोल रहा था मुझे और कहानियां बताओ, कान्हा ने क्या किया, कान्हा ने क्या किया। सब बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि जो जज साहब थे वो जहां लेटे हुए थे ना, वो सुबह सुबह कर रो रहे थे और सब एकदम डर गए। उनकी श्रीमती जी तो बहुत घबरा गई और बोली क्या बात है जी, तबीयत सही नहीं लग रही क्या, कुछ पैर दबाओ आपके, क्या हुआ है। अब वकील साहब ने बस नाम में गर्दन हिलाई और वो चुपचाप करवट लेकर वहीं आंखें बंद करके पड़े रहे। अब सबको जज साहब की बहुत चिंता सी होने लगी। बहू बेटा बोले कि भाई कुछ खाया नहीं है, फिर इतना चले हैं, ऊपर से बुढ़ापा भी है, उम्र का तकाजा भी है, अब थक जाना तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है। सब ने जैसे तैसे चिंता में रात काटी। सुबह सुबह जज साहब सबसे पहले उठे, धीरे धीरे बाकी सब भी उठ गए। सब ने देखा कि जज साहब वहां पे खड़े हुए हैं और वृंदावन की जो गली है उसी को देखे जा रहे हैं। अब जो जज साहब थे उन्होंने अपनी श्रीमती के पास आकर बोला
मुझे माफ कर दो। अब उनकी श्रीमती उनको ऐसे देख रही है, मतलब पति का, हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसे होता ना, पति का माफी मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो बोले, मैंने ना समझे में तुम्हें जीवन भर बहुत रुलाया है, अब मेरे रोने की बारी है। मैं आज तक गलत दिशा की ओर बहता रहा, इसका एहसास मुझे आज हो रहा है। देखो ना तो मैं बीमार हूं ना मैं थका हुआ, मुझे रात भर नींद नहीं आई, और ये मेरे जीवन की ना नई सुबह है, इसको तुम समझ लो। मेरी आंखें रात भर बरसी है, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा था और मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हें देने को, मुझे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में एक युद्ध सा चल रहा है। अब तुमसे सिर्फ मेरी एक प्रार्थना है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। और वो अभी भी उनकी आंखें बरस रही थी, वो रोते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे, और उनकी श्रीमती तो मतलब मैं उनका हाल नहीं बता सकती कि वो उस समय क्या फील कर रही थी। और उनकी श्रीमती जी बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल चुप, उनसे हाँ ना भी नहीं हो रहा था। अपने पति को इस तरह रोते देख के उनकी आंखें भी बरस रही थी। जज साहब फिर बोले, देखो मैं कितना मूर्ख हूं, कहीं प्रार्थना के लिए भी हामी भरवाने की जरूरत होती है। और उसी समय जज साहब, बिलीव मी, उसी समय कमरे में बेटा बहू के सामने जज साहब अपनी श्रीमती के चरणों में गिर पड़े, और बच्चा जैसे एक रोता है ना, सुबक सुबक कर रोने लगे। अब जो उनकी श्रीमती जी थी ना, वो तो बिल्कुल, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, है ना, ऐसे पति पैरों में पड़ा हुआ है और ये क्यों हो रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम झटके से दो हाथ पीछे हट गए, अरे ये आप क्या कर रहे हो, बच्चों का तो लिहाज करो। जज साहब ने सर उठाकर श्रीमती जी को देखा और बोला, अब ना बच्चों का और ना किसी और का, दुनिया में मुझे किसी का लिहाज नहीं करना, बस तुम मुझे माफ कर दो। मुझे आज यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि जीवन भर मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है, तुम सही थी और मैं गलत था, अगर मुझे माफ कर दो तो मुझे एक बार फिर से बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए ले चलो। और जब सबने ये सुना तो जो उनके बेटा बहू थे उनको भी इस चमत्कार का, इस बात का, उनकी कही बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बस ये शब्द सुनते ही उनकी श्रीमती जी तो बिल्कुल जैसे पागल होते हैं ना, तो उनको उनको समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब जो पूरी जिंदगी उन्होंने चाहा बिहारी जी से, उन्होंने कभी कुछ और नहीं मांगा, बस मेरे पति को सद्बुद्धि दे दो, और आज उनके पति ये बात कह रहे कि मुझे बिहारी जी के दर्शनों के लिए ले चलो, और इसके आगे वो कह भी क्या सकती थी, है ना। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो प्रार्थनाएं मैंने बिहारी जी से की वो एक नजर में ऐसी पूरी कर देंगे, मतलब मंदिर में हुआ क्या ये, कुछ ऐसा नहीं कि कोई घटना घटी हो, किसी ने आके कुछ कहा हो, कुछ दिया हो, कुछ खाया हो, कैसे एकदम ऐसे हो गया। अब जो उनकी श्रीमती जी थी उनका पूरा शरीर सुन हो गया था, मतलब जैसे नहीं होता कभी बॉडी सो जाती है, कोई कंपन सा हो रहा था, आंखें तो बिल्कुल जैसे आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। जो उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी वो पूरी हो गई थी, पूरा परिवार बहुत खुश था। दोबारा से सब नहाकर मंदिर गए और आज सबने मिलकर एक बार फिर से बिहारी जी के दर्शन किए। जज साहब और उनकी श्रीमती की खुशी पहली बार एक मतलब दोनों के चेहरे पर दिख रही थी, और जिंदगी में पहली बार दोनों ने मिलकर पूजा पाठ का या दर्शनों का जो काम था वो एक साथ किया था, और दोनों घंटों तक वहीं खड़े रहे। श्रीमती जी का जो पूजा पाठ कह लो जो कह लो वो सब आज पूरा हो गया था। आज शायद जज साहब उनसे भी आगे निकल गए थे एक भाव के अंदर, है ना। बिहारी जी की ऐसी अनोखी छटा होती है, वो कहते हैं ना कि कितनों को पागल कर दिया है और कितने पागल होने को तैयार बैठे हैं बिहारी जी के लिए। बिहारी जी से सिर्फ एक मुलाकात ने जज साहब का पूरा जीवन, उनके सोचने का तरीका सब बदल दिया था। अब जज साहब पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। दर्शनों के बाद सब वापस घर आए, और इस बार पूरी गाड़ी में बिल्कुल चुप थे, बिल्कुल चुप, जैसे जाते हुए तो लेक्चर दिए जा रहे थे ना, अब बिल्कुल साइलेंस था। जज साहब अब पूरी तरह से बदल ही चुके थे, वो हर समय किसी गहरी सोच में लगे रहते थे। एक समय वो अपने जज के ओहदे से रिटायरमेंट लेकर घर आए और सबको बोला कि भाई मैं तो रिटायर हो गया। सब बहुत सरप्राइज थे कि भाई अभी तो जॉब बची थी, ये छोड़ क्यों दिया, पर ये उनका फैसला था तो कोई सवाल भी कैसे करता, है ना, तो ये उनकी मर्जी है कि जॉब करे या ना करे। अब वो ज्यादातर शांत गुमसुम से ही बैठे रहते थे।
लोग उनके लिए बहुत तरह की बातें बनाते और कहते कि भाई इनको दिमाग में कुछ हो गया है, किसी ने कुछ ऊपरी कर दिया है, क्योंकि ये बीमार तो है नहीं, शरीर भी पूरी तरह से ठीक है, बट ये क्या हुआ है कि तो वहां पे कुछ जादू टोना टोटका कुछ हो गया है इनके ऊपर। घर वालों को भी बहुत चिंता रहती थी। जो जज साहब के बेटे थे ना, उसको किसी ने पट्टी पढ़ा दी और ये समझाया कि देखो अभी तो हालात है, कुछ ये कुछ कर सकते हैं, अगर समझो पूरी तरह से पागल हो गए और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह किसी और के नाम कर दी तो तुम क्या करोगे। जो बच्चे होते हैं ना बहकावे में भी जल्दी आते हैं, तो जो उनका बेटा था उन्होंने पेपर बनवा लिए सारी जितनी जमीन जायदाद थी कि वो मेरे ना बेटे के नाम कर रहे हैं, और बेटे को ये बात सही भी लगी, उसने सारे पेपर तैयार करवा के वो पहुंच गया जज साहब के पास और उन्हें पेपर दिखाकर बोला कि पापा इसको साइन कर दो। उसे पता था कि जज साहब ये पेपर देखकर बहुत गुस्सा होंगे, बहुत लड़ाई करेंगे, और वो इस चीज के लिए तैयार था कि भाई ये वो मुझसे ये कहेंगे तो मैं ये कहूंगा, और उसको पता था कि भाई उसने अपनी बीवी को भी बता रखा था, तो सब लड़ाई वगैरह के लिए सब तैयार थे। एक होता है मेंटली रूप से हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो जैसे ही जज साहब ने पेपर देखे तो वो तो एकदम बड़े खुश हो गए, फट से पेपर छीने और उसको साइन कर दिया और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। बोले इतने दिनों से मैं जिस चिंता में था ना कि मैं ये सब कैसे छोड़ू, वो बिहारी जी महाराज ने देखो अपने आप छुड़वा दिया, सब चीज का अपने आप इंतजाम करवा दिया, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा, अब मैं जा रहा हूं। और कहकर बिना कुछ लिए बिना कुछ करे वो घर से बाहर निकल गए। बेटा देख रहा हैरान हो गया, जज साहब के पीछे भागा, उनके पैर पकड़ लिए, माफी मांगी, सारे पेपर उनके सामने फाड़ दिए, पर जज साहब ने कहा अब नहीं, अब मैं नहीं रुकने वाला। जो उनकी श्रीमती जी थी वो भी उनके साथ हो गए, क्योंकि ये सारा नजारा ही बड़ा अलग सा था। दोनों उसी दिन श्रीधाम जाने के लिए बस में निकल पड़े। जीवन का जितना भी बाकी बचा हुआ समय था दोनों ने श्रीधाम वृंदावन में बिताया, और मानने वाली बात है एक कुटिया के अंदर बिताया। कहां तो उनका जीवन ऐसा था कि महलों में वो रह रहे थे, इतनी बड़ी कोठी में, इतने बड़े जज थे, इतना पैसा था, और कहां अब वो एक कुटिया में आ गए थे। जिंदगी में दर्शन भी नहीं किए थे कहां तो, और कहां अब वो बिहारी जी के बिना रह नहीं सकते थे, वो मंदिर जाते थे और घंटों वहीं खड़े रहते थे, है ना। ये हमारे बिहारी जी का चमत्कार है, ये बिहारी जी का चमत्कार है, और ये सत्य घटना है। मैं हर किसी से यही कहूंगी, एक बार विश्वास करके देखो और फिर उसका नजारा देखो। मैं दिल से, सच्ची दिल से हर उस एक जोड़े को नमन करती हूं जो भाव के साथ मिलकर सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, और एक दिल से हर उस एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहती हूं जो खुद ना तो कुछ भक्ति करते हैं और ना ही अपने साथी को करने देते हैं, उन्हें मना कर देते हैं। देखो जब भी साथ मिलकर कोई भी हम धार्मिक कर्म करें, चाहे कोई हवन करे, पूजा करे, तो उसका आनंद और फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं ना जोड़े के साथ व्रत रखो, बहुत फलकारी होता है। जिनके साथी साथ नहीं देते और व्यक्ति अकेले ही आगे बढ़ता है ना, उनको परेशानी तो बहुत होती है सच्ची, बट तकलीफों का सामना भी बहुत करना पड़ता है, बट भक्ति तो देखो भक्ति है, और इसीलिए मैं कहती हूँ सबको छोड़ देना, भक्ति मत छोड़ना, बहुत मुश्किल से मिलती है। अभी कुछ दिन पहले की आपको एक बात बताती हूँ, हमारे एक जानकार थे, उनके साथ ऐसी चर्चा हो रही थी और वो यही कह रही थी कि राधा रानी की कृपा से, उन्होंने राधा रानी मंदिर में जाकर सिर्फ ये एक प्रार्थना की थी कि मुझे बस वृंदावन में घर दिला दो, और वापसी में जब वो आ रहे थे तो जो ब्रोकर वगैरह होते उन्होंने उनकी गाड़ी रोक ली और वहां पे मतलब फ्लैट वगैरह उन्होंने देखने के लिए वो गए कि चलो देखने चलते हैं, और वहां उनको एक पसंद आ गया और उन्होंने श्रीधाम वृंदावन में एक फ्लैट बुक कर ली। पर जो अब उनका घर तो है वृंदावन में, है ना, पर जो उनके पति देव हैं वो वृंदावन में बसने को तैयार ही नहीं हो रहे। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की शादियां कर दी, बच्चे वेल सेटल हैं और वो चाहते हैं कि इस समय वो वृंदावन में रह जाए, बट पतिदेव नहीं मान रहे। और बिलीव मी कितने जने हैं जो वृंदावन में बसने को बेकरार है, उन्हें घर नहीं मिल रहा है, पर उनके ऊपर देखो राधा रानी ने कैसी कृपा करी कि उनको बैठे बिठाए घर दिला दिया, है ना। बट अभी भी राधा कृष्ण उन्हें बसने का मौका नहीं दे रहे, तो मैं अपने बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि कान्हा जी उन्हें वृंदावन का वास दे। जब मेरी उनसे बात हो रही थी ना, तभी ये मुझे जज साहब की स्टोरी याद आई और मैंने कहा जल्दी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। अब बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में मैं यही कामना करती हूँ कि हर जोड़े को अपना दीवाना बना ले, ताकि भक्ति में गृहस्थी में आनंद बढ़ जाए।
बच्चे पता है जब माँ बाप भक्त होते हैं ना तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, बच्चों को हमारी संस्कृति पे गर्व होता है और वो सब चीजों को जानने लगते हैं, है ना। तो आप सब भी दिल से यही प्रार्थना करना और हर एक को भक्ति मिले बस यही कामना करना। एक जयकारा बोलो, बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी का नाम लो सहारा मिलेगा, ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। डूब रही अगर कश्ती मझधार में, कृष्ण के नाम से ही सहारा मिलेगा। अगर आपको भी लगता है कि आपको अपनी कश्ती कलयुग की इस मझधार से बाहर निकालनी है तो सिर्फ कृष्ण का सहारा लो, कृष्ण का नाम जाप करो। अब एक गुरु मंत्र बताती हूं। जब सकून ना मिले दिखावे की बस्ती में, जब सकून ना मिले इस दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना मेरे शाम की मस्ती में। उन्हीं का सहारा लो, उन्हीं का नाम लो और देखना सब बढ़िया हो जाएगा। अगर बिहारी जी महाराज की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, शरीर में कुछ कंपन हुआ हो, आंखें नम हुई हो और आप चाहते हो ये चमत्कार आपके जीवन में भी हो जाए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हो सकता है ये कहानी सुनकर ही किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।